मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक रनवे पर दो विमान आ गए, देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे पर बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। 13 सेकंड का ये वीडियो डर पैदा करने वाला है। शायद ही आपने पहले ऐसा कुछ देखा होगा। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर दो विमान टकराते टकराते बच गए। करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे दो विमान अचानक ही एक ही रनवे पर आ गए। दोनों विमान आपस में टकराते इससे पहले एक विमान हवा में उड़ान भर गया और चंद सेकंड के फासले के चलते सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी बच गई। ये घटना मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह करीब 6 बजे की है। घटना के बाद संज्ञान में आने पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बताते हैं आखिर 13 सेकंड में रनवे पर हुआ क्या था। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-657 रनवे से टेक ऑफ करने वाली ही थी, लेकिन इससे पहले ही फ्लाइट टेक ऑफ करती इंदौर से मुंबई पहुंची इंडिगो की फ्लाइट 6E5053 रनवे पर लैंड कर गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों एयरक्राफ्ट आगे पीछे एक ही रनवे पर थे। दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से सिर्फ चंद सेकंड की दूरी पर थे। दोनों की फ्लाइट की रफ्तार बेहद ही तेज थी। चंद सेकंड में भयंकर हादसा हो सकता था। इससे पहले कि कोई दुर्घटना होती एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया और एक बड़ा हादसा चंद सेकंड में टल गया। अब मामले की जांच शुरू हो गई है और तीन पहलुओं से जांच हो रही है। पहला, एयर इंडिया के पायलट ने टेक ऑफ में देरी की। दूसरा, इंडिगो के पायलट ने लैंडिंग में जल्दबाजी की। तीसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दोनों पायलट के बीच लैंडिंग टेक ऑफ के समय अंतराल की गणना करने में चूक हो गई। अब इन तीनों में असल चूक किससे हुई है इसका सच DGCA की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल DGCA ने दोनों पायलट और ATC के बीच हुए बातचीत को अपने कब्जे में ले लिया है। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है एक ही रनवे से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ कराना एक सामान्य प्रैक्टिस है, लेकिन दोनों विमानों के बीच समय का पर्याप्त अंतर रखा जाता है। जैसे ही एक विमान उड़ान भरता है उसके बाद ही दूसरा विमान टच डाउन करता है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये वक्त करीब 45 सेकंड का होता है, लेकिन इस बार रनवे पर जो हुआ वो बड़ी चूक थी। अब इसकी जांच से सच सामने आएगा कि गलती आखिर किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट।